फ्रूट क्रीम बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखते हैं। ये मैंने दो एप्पल लिए हैं, इसको इस तरह से कट कर लिया है छोटे छोटे पीसों में इस तरह से। ये मैंने अंगूर लिए हैं ग्रीन वाले, और ये लिए ब्लैक वाले, जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं। बनाना लिया है मैंने दो, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है इस तरह से। और ये हमने लिए अनार के दाने, और ये हमने ऑरेंज लिया है, इसको भी हमने छील के इस तरह से कट कर लिया है, बीज बीज निकाल लिए हैं। इन फ्रूट में से आपको जो पसंद है वो रखिए आप, बाकी स्किप भी कर सकते हैं, या और को भी आपको डालना पसंद है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये मैंने 250 ग्राम क्रीम ली है, अमूल की फ्रेश क्रीम है। ये मैंने लिया है 100 ग्राम दही। चीनी ली है हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ मैंने आधा कप चीनी ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। इलायची पाउडर, थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लिया है, आप इसकी जगह केसर भी ले सकते हैं। ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उसमें हमने काजू बादाम किशमिश और पिस्ते लिए हैं। इनको हमने आधे घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं फ्रूट क्रीम बनाना। तो सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और उसमें डाल देंगे हम सारे फ्रूट जो हमने पहले ले रखे हैं। तो अंगूर डाल लेते हैं हम इसमें, ग्रीन वाले और ब्लैक वाले भी डाल लेते हैं, और इसी में डाल देते हैं ये हम ऑरेंज, अनार के दाने भी डाल देते हैं, बनाना डाल देते हैं इसमें, एप्पल भी डाल देते हैं। सभी को इसमें डालने के बाद हम इस पे डाल देंगे चीनी, आप चाहे तो पीस के भी डाल सकते हैं, चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें आप। चीनी डालने के बाद हम इस पे डाल देंगे दही जो हमने लिया था, दही डालने के बाद हम डाल देंगे इस पे इलायची पाउडर, थोड़ा सा डाल देते हैं हम ये ऑरेंज फूड कलर, ये ऑप्शनल है, यदि आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो नहीं। इससे थोड़ा सा हल्का सा कलर है जो चेंज हो जाता है। और साथ ही डाल देंगे हम ड्राई फ्रूट्स जो हमने भिगो के रखे थे पानी के अंदर, अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये क्रीम। सारी क्रीम ऐड कर देंगे इसमें हम, सारी क्रीम ऐड करने के बाद इसको इस तरह से अच्छे से करके अब हम इसको इसी तरह 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए और चीनी है जो अच्छे से मेल्ट हो जाए इसके अंदर। तो फ्रेंड्स 1.5 से 2 घंटे हमने इसको फ्रिज में रख दिया है, ये अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अभी हम इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फ्रूट और क्रीम है जो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो चम्मच की सहायता से हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सारे फ्रूट को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखिए इस तरह से। अब हम एक सर्विंग बाउल ले लेंगे और उसमें सर्व कर लेंगे। एकदम मजेदार फ्रूट क्रीम बनके तैयार है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में और हेल्थ के लिए काफी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें इतने सारे फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ये बच्चों को भी बहुत पसंद होती है, बच्चों के लिए भी काफी अच्छी है, उनको खिलाइए, क्योंकि बच्चे फ्रूट नहीं खाते हैं तो ये बहुत अच्छी रहती है उनके लिए। और इसको ठंडा ठंडा सर्व करें, बहुत अच्छी लगती है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक इसी तरह की नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।